महिला चौपाल की लहर, गूंज उठा जाखल ब्लॉक सुनीता बबली की महिला चौपाल में। गांव धारसुल में महिलाओं ने दिखाई अपनी ताकत, सुनीता बबली की महिला चौपाल में उमड़ा जनसैलाब। आज तुम्हारा निशान सिंह के कारण और बबली जी के कारण हमारा भाई खड़ा इकट्ठा हुआ है। तो सुनीता जी से मैं विश्वास दिलाता हूँ, गंगड़ी गांव से सारे के सारे हमें और एवरेज में आपने पूरे पूरे वोटों से सबसे ज्यादा वोटों से खड़ा कर देते हैं। क्या एक तो कल 17 तारीख है रैली है 12 बजे, सारी मेरी माता बहनों ने अपने भाई को आशीर्वाद देना है, भारी से भारी संख्या में पहुंच के आपके भाई का मान सम्मान बढ़ाना है। जहाँ पे भी माता बहनों की बात आती है, जैसे कहीं भी बबली जी भाई शादी की बात है, बेटियों की शादी है, हजारों लड़कियों की शादी में मान सम्मान दिया। माताओं की बात आती है, वही ऑपरेशन वगैरह जैसे आंखों के चेकअप में बड़े बुजुर्ग, हजारों बड़े बुजुर्गों के आंखों के चेक करवाए, जैसे माता बहनों को शाल उठाकर हजारों माता बहनों से आशीर्वाद लिया। कहीं भी बेटियों की फीस की बात आती है, कहीं भी जैसे दुर्गा कॉलेज में बस नहीं थी, आपके भाई ने हर जगह माता बहनों का हर जगह मान सम्मान बढ़ाया है। कल मैं गांव कनड़ी में गई, एक बहू ने कहा कि भाई हम गोबर गिरने के लिए पैदा हुई हैं। बहनों गोबर गिरने के पैदा नहीं हुई औरतें हर जगह हैं, इंजीनियर है, कहीं भी देखते हो आप, हर फील्ड में औरत है। और हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपनी शक्ति को पहचानती नहीं है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। हर जगह औरत है, हम चाहे तो कहीं भी अपने आप को दिखा सकते हैं। अब कई जगह जाते हैं जैसे कहते हैं कि बबली जी सिर्फ वोटों के लिए आए, आपका भाई सिर्फ वोट मांगने नहीं आया जी, वो हमेशा के लिए आप लोगों के दिलों में बस चुका है। और आगे भी भाई जैसे कोई भी आप लोग कई जगह कहते हैं कि बराला जी आए, ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है जी, आप लोगों ने बराला जी को चुना, वोट दिए, नहीं किया उनकी सोच ही नहीं थी जी। बबली जी की बहुत बड़ी सोच है, वो हर विदेश देश सारी जगह घूमे हैं, उनकी ये सोच नहीं है कि हमारा इंडिया पीछे क्यों है। भाई हमारा इंडिया बाहर जैसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा इंडिया जब भी बाहर जैसा होगा, एक एक आदमी इस सोच के साथ, बबली की सोच के साथ जुड़ेगा, जब भी हमारा इंडिया लंदन जैसा होगा। तो बबली जी की एक इच्छा है जी कि हर जब मैं हल्के से गुजरू ना तो मुझे फकर हो मेरे टुहाना पे, क्योंकि वैसे तो अपना हल्का बहुत हरा भरा है, बहुत सुंदर है, पर जैसे कानून व्यवस्था हुई, रोडों की बात हुई, हॉस्पिटल की बात हुई, चाहे आप शिक्षा चिकित्सा कुछ भी है अपने।